भिलाई पुलिस ने मजदूरों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर ऑनलाइन सट्टा कारोबार करने वाले एक रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में एक ठेकेदार रोहित सबरवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपी ने ठेका मजदूरों से PF राशि जमा करने के नाम पर बैंक खाता खुलवाया था। आरोपी इन खातों का उपयोग सट्टा कारोबार में अवैध लेन देन के लिए करता था। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को रंगे हाथों पकड़ा है। जो जगदलपुर में जो महादेव ऐप का पहला बस्ट ब्रांच 2 महीने पहले जगदलपुर द्वारा बस्ट किया गया था, उसमें 8 कॉर्पोरेट अकाउंट्स मिले थे। इसमें एक कॉर्पोरेट अकाउंट जो है वो सिविक सेंटर का बैंक का था। उसके अकाउंट होल्डर से लगातार पुलिस कॉन्टैक्ट में थी। जब ठेकेदार जो है पैसा निकालने के लिए उस महिला का इस्तेमाल करते हुए बैंक पहुँचा, तो पुलिस ने दबोचने की कोशिश की लेकिन भागने में सफल रहा। CCTV के आधार पे गाड़ी को का नंबर प्राप्त किया गया, उसे गिरफ्त में लिया गया। पूछताछ से मालूम चला कि विशाल पैनलिस्ट की मदद के लिए इस अकाउंट खोले गए थे, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। एक अकाउंट से 1,25,00,000 का ट्रांजैक्शन पिछले 1.5 महीने में हुआ था। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना जैसे कई ऑनलाइन सट्टा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 2 महीने पहले दुर्ग और रायपुर में ही इसका सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया था।